दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करें। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए हम VLC मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम VLC मीडिया प्लेयर को शुरू कर लेंगे। VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो चुका है। फिर मीडिया में हम ओपन कैप्चर डिवाइस पर क्लिक कर देंगे। फिर एक नया विंडो ओपन होगा। फिर यहाँ पे हमको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें फ्रेम रेट सेट करना है 15। हम 10 के अबव कुछ भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, 10, 15, 20। उसके बाद नीचे आकर हम ड्रॉप डाउन से कन्वर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम और एक सेटिंग MP4 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर वीडियो कोडेक पे क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो पे टिक मार्क करना है और उस ड्रॉप डाउन में से हमको H264 ये वैल्यू सेलेक्ट करना है। दोस्तों ध्यान रखें 264। उसके बाद ऊपर फाइल नेम देना ज़रूरी है। प्रोफाइल नेम देंगे कैप्चर 1, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें दोस्तों अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना होगा जहां हम ये फाइल सेव करना चाहते हैं। तो जिस भी फोल्डर में आप ये फाइल सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें और फाइल नेम दें यहां पर जिस नाम से आप ये फाइल सेव करना चाहते हैं। दे दिया हमने V2 और सेव पे क्लिक कर दें। तो अभी देखिए, अभी स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख भेजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया जानने के लिए। तब तक के लिए सी यू।